आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोग को दिया था लूनर क्लाइंट माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए, बट आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ फेदर क्लाइंट माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। यहाँ पर मेरे को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि भाई फेदर क्लाइंट क्या है, क्योंकि फेदर क्लाइंट इतना ज्यादा पॉपुलर है ना, मतलब कि सबको फेदर क्लाइंट खेलना है। और लिटरली मैंने जब इसको अपने फोन में चलाया ना, तो भाई लिटरली इसने बहुत FPS बूस्ट कर दिया मेरे फोन में। तो अगर आप लोगों को भी फेदर क्लाइंट अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन फोन के लिए चाहिए, जो कि आपका 2GB रैम वाला फोन है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूं मैं 5000 लाइक का, जल्दी से करा दो। बट यार आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है। मैंने अपने सेकंड चैनल यानी कि डैंक स्पंकी में एक रोस्ट वीडियो डाला है जिसपे बहुत सीरियस मैटर के ऊपर मैंने बात की है, और आप लोग को जरूर देखना चाहिए भाई, ये आपकी काम की चीज है। जो लोग माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी को बिगाड़ रहे हैं ना, मैंने उनके ऊपर एक बहुत तगड़ा रोस्ट वीडियो बनाया फुल पॉइंट्स के साथ, तो आप लोग को वो देखना है तो यार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी मैंने फेदर क्लाइंट को लगा दिया और भाई क्या लुक आ रहा है यार, ये एकदम मस्त लुक दिखता है। और आप लोग को यहाँ पर एडवांसमेंट और ये सब सिंगल प्लेयर मिल जाता है, और मैं सिंगल प्लेयर पे क्लिक करता हूँ, भाई साहब ये ब्लैक वाला क्या बढ़िया दिख रहा है। ये क्लाइंट पीसी वाले फेदर क्लाइंट से एकदम सिमिलर है, इस पे आप लोग को डार्क मोड मिल जाती है, और इसके देखो यहाँ पर जो कंट्रोल है ना, ये भी रेड कलर के हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ। अभी मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और आप पहली चीज नोटिस करोगे भाई, इसके पीछे जो केप दिख रही है ना फेदर क्लाइंट की, क्या मस्त दिख रही है भाई। और आप लोग को जो दूसरी चीज नोटिस होगी भाई, इस पे लैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज ये इसकी, इसका क्रॉस एयर क्या मस्त हो गया है, इतना स्मूथ गेम प्ले भाई। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लिटरली, मैं को लेजिट ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर देखो इतना स्मूथ गेम प्ले हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग को सेम ऑप्टिफाइन में जो दिखती है ना फुल बैटर ग्रास, उसके जैसे दिख जाता है। अगर आप लोग इस पे इन्वेंट्री खोलोगे तो साइड में जो फेदर लिखा है ना, ये चीज तो भाई एकदम पीसी वाला लुक दे रहा है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ खोल लिया है, और मैं आप लोग को यहाँ पर हर एक चीज बताऊंगा। मेरे को सबसे अच्छी इसकी ये चीज लगी, इसकी स्वाट देखो, और जब मैं इन्वेंट्री खोल के रखा ना, तो पीछे का एकदम क्लियर दिख रहा व्यू। वैसे ये डार्क मोड है लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर आर्मर भी चेंज हो चुके हैं भाई, ये आर्मर देखो भाई कितने अजीब दिख रहे हैं। वैसे अजीब नहीं है, अच्छे दिख रहे हैं मेरे को ना, ये इसकी ना ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये जो नीचे है ना ये चीज अच्छी नहीं लगी, लैगिंग्स अच्छी नहीं है इसकी। इस वीडियो में फ्रेम्स देखो भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं की, वैसे भी आपको समझ आ रहा होगा इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। और ये मैं अपने 4GB रैम वाले फोन में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भाई लेजिट भाई कोई लैग नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरी व्यू बॉबिंग भी ऑन है फिर भी कोई लैग नहीं हो रहा है। हाँ ये थोड़ा बहुत यहाँ पर टच में हो जाता है, वो टच की ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन भाई ये देखो बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं बताऊँ इसका मेन रीजन क्या है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इसकी पूरी पार्टिकल गायब कर दी है। मेरे को मालूम था भाई पार्टिकल को गायब कर दो ना, तो तुम लोग का 80% लैग गया, खत्म भाई छू मंतर। गाइस ये वाला जो लुक है ना, मेरे को काफी ज्यादा शानदार लग रहा है भाई। इसके ऊपर एडिट बनाएंगे तो क्या मस्त लगेगा ना, वैसे मेरे को एडिट बनाते आता नहीं है, लेकिन अगर एडिट बनाएंगे तो क्या मस्त लगेगा। अभी इसमें स्पाई ग्लास दिख रहा भाई, क्या बढ़िया भाई, एकदम इसमें बॉर्डर ही नहीं आ रही है। मेरे को सबसे बढ़िया लगती है स्पाई ग्लास, मतलब माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में भी होती है ना फेदर क्लाइंट में, इसमें भी आ गई भाई, इस पे एकदम बढ़िया लग रही है। जितने भी हो रहे हैं ना, सब में आप लोग को बॉर्डर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लगता है देखने में। और पता है ये जो बॉर्डर आती है ना, ये बॉर्डर के कारण भी लैग फिक्स होता है। मेरे को लगता था भाई ये फैंसी बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन नहीं भाई ये बॉर्डर से भी लैग फिक्स होता है, मेरी होल लाइफ भाई लाई थी। चलो कुछ TNT भी फोड़ के दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल देखो, पार्टिकल नहीं दिखे ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, पार्टिकल एक भी नहीं दिखे भाई। इसका एग्जिट मेन्यू देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है पीसी का होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस में जाओगे तो ऑप्शंस भी आप लोग को सेम टू सेम लग जाएंगे, कि ऐसा लगेगा कि भाई पीसी वाला खेल रहे हो, वो बात अलग है कि भाई आपका लैग बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये, और अलग से कोई सेटिंग नहीं मिलती, लेकिन हाँ भाई बहुत बढ़िया है। इस क्लाइंट में आग एकदम छोटी दिख जाती है, जिसके कारण क्या होता है आप लोग का लैग बहुत कम हो जाता है। मुझे पानी के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं लगे, सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ भाई एकदम तगड़ा है भाई इसके अंदर का पानी। वैसे पानी तो सेम ही रहता भाई माइनक्राफ्ट का। इसकी तगड़ी चीज ये है भाई, इसके डोर भाई साहब के तगड़े डोर है भाई, एकदम ऐसा लगता है ग्लास के डोर होंगे। इसमें आइटम फ्रेम एकदम इनविजिबल हो जाता है, जैसे कि रियल फेडर क्लाइंट में ना भाई, वैसा एकदम तगड़ा लगता है भाई। अरे भाई आर्मर तो देखो, ये फुल आर्मर पहना बंदा, ऐसा लग रहा है भाई आधा आधा आर्मर पहना होगा। इसकी लैगिंग्स अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी सब बढ़िया है, और एन्चेंटमेंट भी बढ़िया दिखती है। अगर ये थोड़ा सा ना ठंडा टाइप का दिखता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। हे तो कैसा लगा तुम लोग को फेदर क्लाइंट मोबाइल के लिए? आई होप सो आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती होंगी तो यार लाइक करके चले जाया करो, और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि हर एक कमेंट को पढ़ने में भाई बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कमेंट ही नहीं आएंगे तो भाई वीडियो बनाने का क्या मतलब, मतलब कि कोई ने देखा और उसको डाउनलोड करके चला गया, कमेंट ही नहीं करोगे तो भाई पता कैसे चलेगा कि वीडियो कैसी लगी तुम्हें। और हाँ, अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग मेरे को डिस्कॉर्ड में बात कर सकते हो, मेरे से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम लोग सब हेल्प कर देते हैं, मेरे स्टाफ और मैं आपकी हेल्प कर देंगे। 10MB के आसपास का पैक है भाई, उतना बड़ा भारी डाउनलोड करना नहीं है। और मैं जो मीडिया फायर की लिंक देता हूँ ना, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू मीडिया फायर की लिंक देता हूँ, तो ज्यादा कोई दिक्कत आने नहीं वाली। और हाँ यार, वो डैंक स्पंकी वाला वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि भाई वो वीडियो ना बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है वीडियो को आपकी। तो मैं हर्षित आप लोग से मिलूंगा अनादर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।